आज मैं केदारनाथ मंदिर का इतिहास के बारे में बतलाना चाहूँगा कि किस प्रकार से केदारनाथ मंदिर का निर्माण हुआ है। जब कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई 18 दिनों तक चलता रहा, जिसमें कौरवों की ओर से कई सेनाएं वीरगति को प्राप्त किए, पांडवों की तरफ से कई सेनाओं को वीरगति प्राप्त हुई, जिसमें निरंतर 18 दिनों लड़ाई के पश्चात पांडव तो जीत गए, लेकिन जब जीतने के बाद पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ बैठकर वार्ता कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा कि आप सभी को पश्चाताप करना होगा और भगवान शिव की शरण में जाना होगा, क्योंकि आपके द्वारा ब्रह्म हत्या, गोत्र हत्या, गुरु हत्या हुई है। इसमें भाई भाई की जान गई है, गुरु शिष्य की जान गई है, इसलिए आप सभी को भगवान शिव की शरण में जाना होगा। तब पांडव काशी नगरी पहुँचे, लेकिन भगवान शिव इस बात को जानकर काफ़ी दुखी हुए, क्योंकि उनके द्वारा ब्रह्म हत्या, गुरु शिष्य हत्या, कुल हत्या हुई, और फिर वो वहाँ से दूसरे स्थान पर चले गए। तब पांडव पीछे पीछे भगवान शिव के पीछे गए। देखा गया कि भगवान शिव उत्तराखंड पहुंच गए हैं और पांडव से छिपने लगे। वो पांडव से मिलना नहीं चाहते थे। तब पांडव पीछे पीछे जाकर देखा कि हिमालय जो वहाँ पर है, पहाड़ी है, वहाँ के जो पशु वहाँ मौजूद था, उसी समय भगवान शिव बैल का रूप धारण कर उस सभी पशु के साथ छिपकर बैठ गए। और तब उस समय भीम पहाड़ी से भी बड़ा रूप धारण कर एक पैर एक पहाड़ी पर और दूसरा पैर दूसरे पहाड़ी पर रखकर खड़ा हो गए। सभी पशु इस दृश्य को देखकर भागने लगा, लेकिन जो बैल था, भगवान शिव का रूप, वो वहीं पर रहा। इस बात को देखकर, इस दृश्य को देखकर पांडव को लगा कि यही भगवान शिव हैं, और तब भीम वहाँ पहुँचकर बैल की पीठ को पकड़ लिया, लेकिन चार अंग चार दिशाएं में पहुंचा, जिससे चार धाम की स्थापना हुई। और वहाँ पर जो पीठ था, वहाँ पर केदारनाथ की स्थापना हुई। बाद में पांडव उस मंदिर का स्थापना किए, तब भगवान शिव प्रसन्न हुए, और देखा जाए तो पांडव के जो परपोत्र हैं जनमेजय ने भी बाद में उस मंदिर को सही किया। और बाद में देखा गया कि जब मंदिर की स्थिति अच्छी नहीं रही, तो आदि शंकराचार्य वहाँ पहुँचकर उस मंदिर को जीर्ण अवस्था से सही कराया, और धीरे धीरे मंदिर अपने रूप में आ गया। 2013 में प्राकृतिक आपदाएं हुई और मंदिर फिर पुनः टूट गया, और वहाँ पर जो आदि शंकराचार्य का समाधि था वो भी बह गया, और बाद में उत्तराखंड की सरकार उस मंदिर को ठीक कराया। इस तरह से देखा जाए तो इस मंदिर का यही इतिहास है।
और पांडव को यहीं पर मुक्ति मिली ऐसा कहा जाता है। धन्यवाद। अंत में मैं चाहूँगा इस महत्वपूर्ण व्यू को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अवश्य करें, जिससे लोगों को इस तरह की जानकारी प्राप्त हो। धन्यवाद।